अध्यक्ष जी, मैं आपका ध्यान दिलाना चाहूंगा कि जिस प्रकार से प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया गया और पूरे देश में योग के माध्यम से आयुष का और भारत का मान सम्मान बढ़ा, इसके लिए भी मैं प्रधानमंत्री जी का और मंत्री जी को धन्यवाद दूंगा। और आयुष में भी जिस प्रकार से माननीय मंत्री जी ने होम्योपैथिक चिकित्सा को आम जन तक पहुँचाने के लिए जो काम किया, क्योंकि होम्योपैथिक चिकित्सा ही एक ऐसी चिकित्सा पद्धति है जिसमें कि बहुत गरीब आदमी को भी और बहुत साइंटिफिक, बहुत सस्ती दवाएं और बहुत प्रभावशाली दवाएं होम्योपैथी के माध्यम से जनता के लिए, विशेष तौर से भारत जैसे देश के लिए एक बहुत उपयोगी कारगर कदम होगा। माननीय अध्यक्ष महोदय जी, जिस प्रकार से माननीय प्रधानमंत्री जी ने आयुष्मान भारत के माध्यम से आज देश के 10 करोड़ परिवारों को प्रधानमंत्री आयुष्मान भारत योजना के तहत जोड़ने जा रहे हैं, उसमें 5 लाख रुपए तक का बीमा उन परिवारों को दिया जाएगा। मैं आयुष मंत्री से आग्रह करूंगा कि आयुष्मान भारत की इस योजना में ये आयुष के सभी सिस्टम को भी ये जोड़ें, जिससे कि आम जन को आयुष का भी लाभ मिल सके, होम्योपैथी का भी लाभ मिल सके। माननीय अध्यक्ष महोदय जी, मैं एक चीज और रखना चाहूंगा कि प्रधानमंत्री जी ने एक बहुत बड़ा सपना देखा है कि देश के सभी PSC सेंटर्स को, 1.5 लाख देश में PSC सेंटर्स को वेलनेस सेंटर्स बनाने जा रहे हैं और उन वेलनेस सेंटर्स में ये सभी डॉक्टर्स की नियुक्ति भी करने जा रहे हैं। मैं सदन के माध्यम से माननीय मंत्री जी से बात रखना चाहूंगा कि उन सभी वेलनेस सेंटर्स में लगभग 1.5 लाख वेलनेस सेंटर्स में एक सुनिश्चित किया जाए कि उसमें कम से कम इतने आयुष डॉक्टर्स तो निश्चित होंगे और उनमें से भी होम्योपैथी के इतने परसेंट होंगे, आयुर्वेद के इतने परसेंट होंगे, यूनानी के इतने लोग होंगे, एक सुनिश्चित फार्मूला पूरे देश में तय करके लागू किया जाए जिसके माध्यम से आम जन को उसका अधिक से अधिक एलोपैथी के साथ में आयुष सिस्टम का भी और विशेष तौर से होम्योपैथी का भी उनको लाभ मिल सके। माननीय अध्यक्ष मोदी जी, मैं आपका ध्यान राजस्थान की सरकार की तरफ भी दिलाना चाहूंगा कि जिस प्रकार से प्रधानमंत्री जी ने आयुष्मान भारत के माध्यम से 5 लाख रुपए तक का बीमा देने का कार्य इस देश की जनता की सेवा के लिए किया है, इसी प्रकार से राजस्थान की यशस्वी मुख्यमंत्री श्रीमती वसुंधरा राजे जी ने एक बहुत शानदार भामाशाह स्वास्थ्य बीमा योजना चला रखी है जिसमें 30,000 से लेकर 3 लाख रुपए तक का बीमा उस पीड़ित परिवार को दिया जाता है और आज राजस्थान में लाखों परिवारों ने इस योजना का लाभ लिया है। और जिस जो ही आयुष्मान भारत की होगी तो मैं सोचता हूँ कि 3 लाख से बढ़कर वो 5 लाख की उसमें आ जाएगा। तो राजस्थान एक ऐसा राज्य है जिसने आयुष्मान भारत को पहले ही अपना के भामाशाह स्वास्थ्य बीमा योजना के माध्यम से बहुत सफलतापूर्वक माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में वहाँ जनता की सेवा का कार्य कर रहे हैं। माननीय अध्यक्ष महोदय जी, मैं माननीय मंत्री जी को एक चीज और ध्यान में दिलाना चाहूंगा कि जिस प्रकार से उन्होंने आयुष का आज पूरे देश में नाम रोशन किया, पूरी दुनिया में नाम रोशन किया है, आयुष की एक गाइडलाइन पूरे देश में जारी की जाए, क्योंकि ऐसा होता है कि अधिकतर विषय राज्यों के विषय में छोड़ दिया जाता है और जब सरकारी नौकरियां निकलती है, होम्योपैथिक डॉक्टर्स की नौकरी लगने का विषय आता है तो कुछ राज्य सरकारें उदारता पूर्वक उनका अवसर देती है, कुछ राज्य सरकारें उनके अवसरों का हनन हो जाता है, कई जगह ऐसा होता है कि अन्य सिस्टम जो आयुष के भी जो अन्य सिस्टम है वो उनके अधिकारों का हनन करते हैं। मैं सदन के माध्यम से उनके सामने कहूंगा कि आयुष की सभी पद्धतियों को समान रूप से एक महत्व दें और उनके एक बाइफर्केशन, उनका बंटवारा इस तरीके से करें कि राज्यों को उनकी पालना सुनिश्चित रूप से की जा सके। माननीय अध्यक्ष महोदय जी, क्योंकि मुझे चीफ व्हिप जी ने समय कम दिया है और फिर भी उस समय में अपनी बात रखने की मैं बात करूंगा, एक चीज मैं और कहना चाहूंगा कि मैं होम्योपैथिक डॉक्टर्स की बात करना चाहूंगा। मैं खुद एक होम्योपैथिक डॉक्टर हूँ, मैंने BHMS किया है, मैंने MD किया है, लगभग 10 साल पढ़ाई में लगते हैं और होम्योपैथिक में भी जो MBBS के बराबर सब्जेक्ट होते हैं उसी के बराबर सब्जेक्ट्स होते हैं, एनाटॉमी से लेजे फिजियोलॉजी, गाइनी ऑफ PSM, प्रैक्टिस ऑफ मेडिसिन, सर्जरी, सब चीज़ें, ENT, ऑप्थमो, गाइनी, सब सब्जेक्ट्स होते हैं। माननीय अध्यक्ष महोदय जी, सिर्फ एक कमी थी तो हॉस्पिटल्स की थी और माननीय मंत्री जी को मैं धन्यवाद दूंगा कि होम्योपैथिक डॉक्टर्स को, चिकित्सक को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के लिए इन्होंने ये सुनिश्चित किया है कि प्रत्येक होम्योपैथिक कॉलेज में NABL से सर्टिफाइड हॉस्पिटल हो ताकि उनको अच्छी से अच्छी ट्रेनिंग मिले। साथ में एक सुझाव देना चाहूंगा कि राज्य सरकारों के गाइडलाइन जारी करे कि जो होम्योपैथिक डॉक्टर्स जो पढ़ाई कर रहे हैं, चाहे वो अंडर ग्रेजुएट BHMS पढ़ाई कर रहे हैं या MD कर रहे हैं, स्थानीय जो सरकारी मेडिकल कॉलेज है या हॉस्पिटल है उनमें जाके भी वो अपना इंटर्नशिप का
कार्य पूरा कर सके, क्योंकि हम अध्यक्ष जी एक मिनट और क्योंकि होम्योपैथिक डॉक्टर्स की योग्यता में और उनके विश्वास में और जनता की सेवा में मेरा पूरा भरोसा है। माननीय अध्यक्ष महोदय जी, अपनी बात एक मिनट में खत्म कर रहा हूं। होम्योपैथिक डॉक्टर्स की योग्यता में, उनके काम में, उनकी सेवा में आप भरोसा कीजिए। मैं एक अपने छोटी सी शायरी के साथ में अपनी बात सरमना करूंगा कि मिलेगी परिंदों को मंजिल, ये बातें उनके पर बोलते हैं। मिलेगी परिंदों को मंजिल, ये उनके पर बोलते हैं। रहते हैं कुछ लोग खामोश, लेकिन उनके हुनर बोलते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। आप सभी ने अपना अमूल्य समय हमें दिया, इसके लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।